सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसान साथियों, आज की समस्या, सबसे बड़ी समस्या ये है, एनिमल प्रेग्नेंट हुआ या नहीं, यानी कंफर्मेशन करना आज के समय में बड़ा ही मुश्किल काम है। अपने एक जादुई किट लॉन्च किया है किसान साथियों। इस किट से आप 28 से 30 दिन AI करने के बाद आप चेक कर सकते हैं एनिमल प्रेग्नेंट हुआ या नहीं, मतलब मात्र एक महीने के बाद आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं। इस बात पे कितने परसेंट सत्य है जो बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार नमस्कार। जो सर ये बड़े बड़े वादे कर रही है, जैसे AI हो गई, AI होने के 30 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है, तो आप कितने दिन से यूज कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट है? सही है सर, आप कितने दिन से आप ये किट यूज कर रहे हैं? पिछले 3 महीने से हम ये किट का यूज कर रहे हैं। 28-30 दिन के करीब हम सैंपल लेते हैं ब्लड का, और उसको ये जो किट दी गई उसके हिसाब से हम टेस्ट करते हैं, उसके जो इंस्ट्रक्शन दी गए उसी हिसाब से फॉलो करके अच्छा उसको टेस्ट करते हैं जी। तो इसमें ज़्यादातर हमने जो अभी तक किया है, 2 महीने के बाद मैं खुद हाथ डाल के रेक्टम में हाथ डाल के मलाशय में हाथ डाल के प्रेगनेंसी कन्फर्म करता हूँ। अच्छा, 7 दिन के बाद। लेकिन 30 दिन के पहले जो रिजल्ट क्या था वो कन्फर्म हो जाता है। 7 दिन के बाद यदि रियल में गाय या भैंस गाभिन है तो हमारे यहाँ 95% से 98% तक जानवर जो भी टेस्ट में पॉजिटिव आए थे वो 7 दिन में कंफर्म हुआ है। अच्छा, तो मतलब रिजल्ट अच्छा दे रहा है, टेस्ट ये यूज कर सकते हैं। 30 दिन के बाद यदि हम चेक कर सकते हैं, 28 दिन, 30 दिन या 25 दिन के बाद हम जो यदि कोई कोई टेस्ट ऐसा मिला हमें उसको गाभिन है या नहीं है कंफर्म कर सकते हैं। और टेंटेटिव भी हो सकता है, डाउटफुल या नहीं है वो भी पता चल जाता है कम से कम। तो हम ऐसी गाय जिसमें कंफर्म नेगेटिव है उसको तो हम दवाई करके या एग्जामिन करके डॉक्टर बुला के जरूरी एक्शन ले सकते हैं, गाय को फिर हिट में ला सकते हैं। तो 3 महीने के बाद हम चेक करेंगे खाली निकलेगी, इसके जगह हम 30 दिन के बाद करेंगे और इसको दवाई करके हिट में लाए तो 45 दिन में गाय हिट में तो आएगी, फिर 10-12 दिन में। सही है, उसको ये कर दिया 3 महीने के बाद फिर देखोगे तो गाभिन हो जाएगी वो। बिल्कुल, तो ये बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, देने का जो इंटरवल है अपना 13-14 महीने या 15 महीना मैक्सिमम अपने एवरेज हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। यदि ये हो सकता है तो ये फार्मर्स कुछ कमाता है, बिल्कुल कमाता है, डेयरी फार्म लॉस में ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आजकल जो चारा दाना का कॉस्ट है बहुत बढ़ गया, बहुत कॉस्टली हो गया, इसकी वजह से इकोनॉमी मिलती नहीं है। बिल्कुल, तो ये ऐसे प्रेगनेंसी अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के जो भी किट्स या प्रोसीजर समय मिलती है मार्केट में उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इससे बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमें गाय कन्फर्म हो जाती है नेगेटिव है तो हम उसको दवाई करके ये एक्शन लेके कुछ जल्दी से जल्दी गर्मी में ला के फिर से बीजदान करवाए। अच्छा, और गाभिन करवा दे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज आपके हाथ में क्या है? ये जो है बोवाइन प्रेगनेंसी रैपिड टेस्ट किट है जी, जो ऑन फार्म पे अपने किसान भाई खुद अपनी एनिमल की प्रेगनेंसी चेक कर सकते हैं। अच्छा, 28 दिन में। इसके लाभ क्या है? इसके लाभ ये है कि अभी जो प्रेगनेंसी चेक होती है वो 40-50 दिन के बाद होती है जी, तो हाथ डाल के अभी चेक कर रहे हैं वो 50 दिन के बाद करते हैं और वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, एनिमल के लिए भी पेनफुल है जी। तो इसमें विदाउट हाथ डाले के बिना ही चेक कर सकते हैं 28 दिन में। ये कारनामा कैसे कर पाएंगे सर? ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे होता है जी। तो ये जो किट है, ये किट हम देखेंगे, इसमें ये सारा पूरा किट के अंदर ये बटरफ्लाई नीडल है जी, जिससे ब्लड कलेक्ट करना है। अच्छा, फिर ये जो है जिसके अंदर वैक्यूटेनर है जिसके अंदर ब्लड आएगा। अच्छा, ये कलेक्ट किया हुआ ब्लड इसके अंदर आएगा, ब्लड स्टोरेज है। हाँ, ये ब्लड स्टोरेज है। ओके, तो अभी इसके साथ जो ये है वो टेस्ट कैसेट है जिसमें हम टेस्ट जिसमें हम टेस्ट करेंगे इसको। ओके ओके, तो अभी हम फार्म से जो है वो ब्लड कलेक्ट करके आए हैं, तो हम आपको लाइव दिखाएंगे कि इसका कैसे टेस्टिंग होता है, काउ प्रेग्नेंट है या नहीं है। आपको पूरा इसमें बिल्कुल खून आप 3 जगह से ले सकते हो, कान की नस से, पूंछ की नस से या गले की नस से। तो इसको हम अभी टेस्ट करेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। पहले इसका डिस्प्ले बताइए कैसे, किस पे क्या सिग्नल आएगा तो उस पे पता चलेगा। बिल्कुल, ये जो है टेस्ट कैसेट जैसे ह्यूमन में आता है वैसा ही टेस्ट कैसेट है जी। तो इसमें हम ये ब्लड यहाँ पे रखेंगे, ये 3 लाइन है C, B और T जी। ये सी जो लाइन है वो कंट्रोल लाइन है जी, बी है मतलब बेस लाइन और टी मतलब टेस्ट लाइन। अच्छा, ये सी लाइन आ गया मतलब टी, ये जो किट है वो वैलिड है। अच्छा, अगर किसी कारण से किट खराब हो गई है या कुछ हुआ है तो सी लाइन नहीं आएगा। अच्छा, अगर सी लाइन नहीं आया मतलब आपको टेस्ट दोबारा दूसरी जो किट है वो यूज करनी है आपको। क्यों? क्योंकि ये जो किट एक्सपायर्ड हो गई हो
ऐसे ही पड़ी हुई हो, उस चीज में बहुत धूप लग गई हो, ऐसा कुछ भी खराब हो सकती है कभी कभी। हाँ, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे बी और टी लाइन है, वो आपको देखना है। बी लाइन से टी लाइन डार्क आ गई, मतलब कंफर्म प्रेग्नेंट है। कंफर्म प्रेग्नेंट, कंफर्म प्रेग्नेंट, बिल्कुल मिठाई खाएगा तब तो के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और बी और टी लाइन सेम आ गई, मतलब सस्पिशियस है। वो किसी कारण से ऐसा हो सकता है कि उसमें अर्ली एम्ब्रियो मोर्टालिटी हो गई हो, बच्चा मर गया हो, तो वो उसमें सस्पिशियस आ गया, तो उसके आपको 7-8 दिन के बाद उसका टेस्ट करना है जी। तो ये बी और टी लाइन, और टी लाइन नहीं आई मतलब ये वो प्रेग्नेंट नहीं है। अच्छा, उसका दोबारा AI करना है आपको। दोबारा AI करना है? बिल्कुल। सर, जो आपके पास ब्लड है, गाय कितने दिन की प्रेग्नेंट है? वो HF गाय है, वो उसको AI किए हुए 30 दिन हुए है, तो आज हम उसको चेक करेंगे कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है। ओके, तो ये जो किट है इसमें ड्रॉपर है, इससे हम ब्लड कलेक्ट करेंगे। नॉर्मल डिब्बी जैसे आता है सेप इसका? बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे हमको ये देखना है कि एयर बबल कहीं पे ना रह जाए, और इसको ब्लड इसे हमको कलेक्ट करना है। इसके 3 ड्रॉप हमको डालने हैं, 1, 2, 3। सर, सेकंड स्टेप क्या है? ये सेकंड स्टेप है, ये डाइल्यूट है जी। इसका डाइल्यूट क्या होता है सर? डाइल्यूट चेक करने के लिए होता है कि ये इसको प्रेग्नेंट है कि नहीं। इसको ब्लड पास ऑन करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है, आगे पास ऑन होता है ये लाइन तक। अच्छा, बिल्कुल। तो ऐसे इसको हम ओपन करेंगे। अच्छा, और इसके 2 ड्रॉप्स डालने हैं हमको। जो सर अभी हम टेस्ट किए हैं, तो उसका फाइनल रिजल्ट क्या है वो बताइए। देखिए, हम आपको बता दें, टेस्ट किया हुआ 20 मिनट हो गया है। अच्छा, तो ये देखिए आपको रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये टी लाइन जो है वो बी लाइन से डार्क है। अच्छा, मतलब ये कंफर्म प्रेग्नेंट है 30 दिन की। मात्र 30 दिन में ही कंफर्म हो गया? हाँ, ये प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट है, कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं? कोई हेडेक नहीं है। और ये इसका मेन फायदा ये है कि 2 बच्चे का जो कालविंग इंटरवल है जी, वो कालविन इंटरवल जो है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पे जो खर्चा आ रहा है फार्मर को, वो 5-6 हज़ार रुपए का खर्चा है, वो फार्मर का यहाँ पे सेव हो रहा है। मतलब ये जो किट है किसान साथियों के लिए, खासकर डेयरी फार्मर के लिए, वरदान साबित होगी भविष्य में। बिल्कुल बिल्कुल जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।